हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्रायंगल्स की। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। जो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है किसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है? साइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट इसमें है स्केलन ट्रायंगल्स। स्केलन ट्रायंगल्स का मीन्स इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि इक्वल नहीं होती हैं। स्केलन ट्रायंगल्स जो होता है उसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक साइड ली जाए तो इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये सेकेंड हमने लिया इसकी 3 सेंटीमीटर, एंड थर्ड जो लिया उसकी 1 सेंटीमीटर, यानी डिफरेंट है, तीनों साइड्स डिफरेंट है। इस तरह के ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल्स कहते हैं। सेकेंड, आइसोस्केलस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इसमें आपके ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिया इसको 2 सेंटीमीटर, तो आपका ये जो साइड है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 3 सेंटीमीटर। कोई भी दो साइड्स, जरूरी नहीं कि यही साइड्स, ये और ये साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं, ये साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं, और इस तरह के ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। थर्ड हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इस तरह के ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं? इक्विलर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। से पहले हमने साइड्स का के अकॉर्डिंग देखा था ट्रायंगल्स को, अभी हम एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स देख रहे हैं। फर्स्ट इसमें है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। तो एक्यूट ट्रायंगल एंगल्स, जिसके तीनों एंगल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी ये अगर आपका 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री या 80 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है, तो ये तीनों इसके एंगल्स डिफरेंट होते हैं, वो ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स कहलाते हैं। सेकंड, अगर सेकंड हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल्स की, तो एक 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें। ठीक है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स कहलाते हैं। थर्ड इसमें है आपका एब्ट्यूस एंगल बनाया, तो एक डिग्री 90 से ग्रेटर देन होना चाहिए, जो कि हमने इसको बनाया है 90 से ग्रेटर देन। ओके, तो ये एंगल 90 से ग्रेटर देन है। अगर हम इसको एक नेम दे दें कि ए, एंगल ए ग्रेटर देन है 90, ठीक है, ग्रेटर देन है 90, एंगल ए ग्रेटर देन है 90। यहां अगर हम देखें, इसको भी हमने एक नाम दे दिया है एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के, और यहां तीनों एंगल्स 90 से लेस देन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स हमने देख लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 10.1, इन द फिगर गिवन बिलो, यहां पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इनको मेजर करना है। मेजर्स ऑफ साइड्स आर इंडिकेटेड। ओके, एंड ये हम जो साइड्स दी हुई हैं इनको मेजर करके हमें देखना है कि कौन सा आपका ट्रायंगल्स स्केलन या आइसोस्केलन्स या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट अगर हम फिगर देखते हैं ए, तो 6 और 6, यानी यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं, और हमने देखा है दो साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सा एंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। ओके, तो ये जो फर्स्ट हमारा है ये कौन सा हो जाएगा आपका? आइसोस्केलस ट्रायंगल। सेकंड देखिए बी वाला, इसके तीनों साइड्स डिफरेंट है, और जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल्स। तो ये यहां पे आपको दिया हुआ है नेम स्केलन ट्रायंगल ट्रायंगल्स। ओके, थर्ड सी देखिए, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो फिगर में देखिए हमने जो बनाए थे, यहाँ पर थ्योरी पढ़ी थी थोड़ी सी, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहा जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड देखिए, यहां भी कुछ फिगर्स दिए हुए हैं लेकिन इसको मेजर करना है किसके अकॉर्डिंग? इसके एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको हमें मेजर करना है और पता करना है कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट एंगल्स है, ठीक है, और कौन सा एब्ट्यूस एंगल है। तो फर्स्ट आपका देखिए
ये दिया है आपको 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री दिया है और ये कह रहा है कि ये जो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और जिसके एंगल्स इक्वल हैं हमने उसको भी देखा था, जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं मतलब 90 से कम है, ओके तो जब हमने एक्यूट एंगल पढ़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ओके ये सभी एंगल्स यहां पर आपको दिए हुए हैं, इसको मेजर करना है, ठीक है। देखिए हमने बना लिया यहां पर एंगल ट्रायंगल्स को, और देखिए ये हमें मेजर करने के लिए कहा गया है ए सी डी, ओके आपके बुक में ही दिया हुआ है ए सी डी हमें काउंट करना है, तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमें पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल्स अगर प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, सम ऑफ प्रॉपर्टी ये जो सम इनका होता है 180 डिग्री होता है, इन दोनों को अगर हम प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो हमें ए सी बी एंगल्स पता हो जाएगा, यानी एंगल सी पता हो जाएगा, और 180 डिग्री से हम इसको क्या करेंगे फिर से माइनस कर देंगे तो हमें ए सी डी एंगल पता हो जाएगा। तो एक और हम दूसरा तरीका है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होता है एंगल ए सी डी के, ओके तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होता है एंगल ए सी डी के, यानी आउटसाइड में जो एंगल बन रहा है उसके इक्वल कौन से एंगल होते हैं, उसके जो अदर्स दो एंगल्स होते हैं उन दोनों का एडिशन कितना होता है या आउटसाइड बनने वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल ए कितना है आपका, आपके बुक में दिया हुआ है 70 एंड 50, तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू आपका एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, ओके तो ये आंसर आ गया आपका एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके नेक्स्ट जो आपके रह गए हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।